दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसान, सरकार के साथ करीब 5 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा रही। हरियाणा और पंजाब से आ रहे प्रदर्शनकारी किसान, दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी। छोटी छोटी टुकड़ियों में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ रहे किसान, पंजाब हरियाणा से जुड़ी सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस के जवान कर रहे निगरानी, बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर छावनी में तब्दील, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की हर मूवमेंट पर पूरी नजर। दिल्ली के बॉर्डर इलाके में किसान मौजूद, किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा सख्त। दिल्ली मार्च में देश के अलग अलग हिस्सों के करीब 200 किसान संगठन शामिल, संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को प्रदर्शन से अलग किया। किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा में अंबाला के पास पंजाब के साथ लगती सीमा को किया गया सील, 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में धारा 144 लागू, 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के अलावा लोहे के कटीले तार भी लगाए गए, बॉर्डर एरिया से सटे मेट्रो स्टेशन पर चौकसी। शंभू बॉर्डर पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए किसान जेसीबी लेकर अपने गांव से निकले, दिल्ली की ओर रवाना हुए। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली की सीमाओं पर लगे ट्रैफिक जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, सीजेआई ने कहा किसी को भी जाम की समस्या हो मुझे बताए। नोएडा पुलिस ने लोगों को मेट्रो से आने जाने की अपील की, बावजूद इसके बॉर्डर इलाकों में भारी जाम लगा। 16 फरवरी को भी किसानों का हल्ला बोल, किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों की एंट्री रोकने के लिए दिल्ली पुलिस नुकीले हथियारों से लैस, टियर गैस शेल्स 20 जवानों के पास। टिकरी जवानों बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन से नजर रखी जा रही। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी, बॉर्डर इलाकों में आवाजाही मुश्किल हुई। टिकरी बॉर्डर पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, आगे बढ़ने के लिए जूझते दिखे लोग। दिल्ली के राजोकरी में गाड़ियों की लंबी कतार, एक तरफ सड़क बंद होने से लोगों के लिए मुश्किलें पड़ी। किसानों के दिल्ली कूच के चलते गुरुग्राम में पुलिस मुस्तैद, सड़कों पर कई जगह डायवर्जन, पुलिस ने बैरिकेडिंग की। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर लगा भारी जाम, रास्ते में फंसे लोग हो रहे परेशान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने लगाए कटीले तार। किसानों ने केंद्र सरकार को भी वार्निंग दी, बोले सरकार ने बनाया हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान। यूपी के बागपत में पुलिस बलों की तैनाती, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही। चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने की बातचीत, लेकिन नहीं निकला कोई हल। करीब 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही, किसान एमएसपी पर समझौता करने को तैयार नहीं। किसान नेताओं ने कहा सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं था, बातचीत जारी रहेगी। किसान नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, कहा सरकार के मन में खोट, सरकार दे रही सिर्फ आश्वासन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, हम हमेशा बातचीत को तैयार, समाधान निकालने को तैयार। यूएई दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी कल अबूधाबी में बने पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अबूधाबी में 27 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुए मंदिर, अरब के राष्ट्रपति ने किया था जमीन का दान। वक्फ की ओर से कराया गया मंदिर का निर्माण, दिल्ली गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर मंदिर बना। मंदिर भारतीय संस्कृति और यूएई की पहचान का अनूठा संगम, बसंत पंचमी के मौके पर मंदिर का उद्घाटन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, आज पेश होगा बजट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहली बार पेश करेंगे बजट, सम्राट चौधरी के पास है वित्त विभाग। लोकसभा चुनाव से पहले आज आम आदमी पार्टी का महामंथन, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मुंबई पार्टी दफ्तर में फडणवीस समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, कल राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं चव्हाण।
यूपी बीजेपी के सभी 7 राज्यसभा प्रत्याशी कल भरेंगे पर्चा। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह और तेजवीर सिंह करेंगे नामांकन। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, कल राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगी। हिमाचल या राजस्थान से उम्मीदवार हो सकती हैं। 16 फरवरी को यूपी में दाखिल होगी राहुल की न्याय यात्रा। 19 तारीख को अमेठी पहुंचेंगे राहुल। अमेठी में राहुल को मिलेगा बहन प्रियंका का साथ। वाराणसी और रायबरेली में होगा कार्यक्रम। 2024 के मद्देनजर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश। 2024 को लेकर एसपी कांग्रेस के बीच हो सकता है गठबंधन। यूपी में मिलकर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, गठबंधन में यूपी में कांग्रेस को मिल सकती है 15 से 16 सीटें। नेपाल से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे शालिग्राम शिला अखिलेश यादव। इटावा में शिव मंदिर का करवा रहे निर्माण, मंदिर में स्थापित की जाएगी शिला। समाजवादी पार्टी इटावा के मंदिर के जरिए अयोध्या का जवाब देने की कोशिश में। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश विधायकों के साथ इटावा जाकर शिव मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। शिव मंदिर में अखिलेश यादव की पूजा पाठ करने की खबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा, कहा सपा का चरित्र कार सेवकों पर गोली चलवाना। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा सूर्य नमस्कार को धर्म से नहीं स्वास्थ्य से जोड़ें कट्टरपंथी। तिरुपति के श्री कला हस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा में शामिल हुए इटली से आए विदेशी भक्त, विधि विधान से पूजा पाठ किया, मंदिर में घूमकर किया देवी देवताओं के दर्शन।